तो यहो जी सैटिंग हुई थोड़ी चाचे भतीजे की कि मेरा ख्याल है भी थोड़े विचों तो कितने सूई नहीं लंघ सकती। 2007 तो 17 तक सवाए इलैक्शन मोड़ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़े खिलाफ जो बोलिया होगा तो सिर्फ इलैक्शन वाले दिनों के ते ना तुसी अपने 10 सालों चे उत्ते को कार्रवाई की होगी जिहड़ा तुसी स्टेजा तो आंदे सीगे मैं इहदी पजामी च चूहे छड़ देने आ मैं इहनू पुट्ठा टंग देना वा उह हाल अगे आ गया। 2017 तो लैके अज तक ना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तुहाडे उत्ते को कार्रवाई की। जदों भी इहो जिहे मुद्दे याद आउंदे आ सिर्फ जदों इलैक्शन सिर दे उत्ते आ गई ते तुहानू दोवां नू इह मुद्दे याद आ जांदे आ। 2016 दे विच सुखबीर कैप्टन के खिलाफ जो बोलदा सीगा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सुखबीर के खिलाफ बोलते सीगे ओह गल्लां अज जिहड़ियां सुणन नू फिर नज़र आ रही अंदर दे दूं सारे MLA मैं पुट्ठे टंग दूंगा। असल दे विच असलीयत की आ ये जनता जान चुकी आ कि शक्तिमान ते गंगाधर एक ही आ। सुखबीर जी मैं तुहानू सवाल कर लगा अज मैं तुहाडे करके इत्थे आया कि 4.5 साल तुहानू रेता दा मुद्दा याद नहीं आया 4.5 साल तक तुसी क्यों नहीं बोले ते मैं तेनू अज पुछना चाहना कि तेरे लीडर मैं तेनू कहना कि 10 साल तुसी भी इहो रेता वेचदे रहे हो ते तेरे लीडर ते तुसी अज प्रेस दे सामने लोकां नू सवाल करदे हो कि साडे खिलाफ कोई सबूत विखाओ अही 10 साल जिहड़ी उह रेता वेची होवे जां अही इहो जिहा काम कीता होवे। असी जनता वां यार साडे कोल किहड़ा पैरामीटर आ साडे कोल किहड़ी इहो जी FBI जां CIA दी एजेंसी आ जिथे तेनू चुक के लै जाइए जिथे तेनू इंटैरोगेट करके पुछ लीए जिथे तेनू पुछीए भी सुखबीर बादल तू 10 साल काम किया कि नहीं किया। काम तो सरकार का हुंदा कि जे किते गलत काम हुंदे होण ते एक दूजे कोलों दूजियां कोलों पुछणा ते उहनां दे उत्ते कार्रवाई करना पर जदों तुसी चोर कुत्ती रले हो ते फिर असी जनता जाइए किथे। लोकां ने बथेरी दुहाई दे के वेख ली मैं तेरे तुहाडे ते ते तेरे कैप्टन ते गल्लां कहणियां चाहुंदा कि था इरादा शिकायत तेरी करेंगे हाकिम से मगर वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। शिकायत करिए किदको दुहाई दईए किनू सानू ते अज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बेअदबी दे उत्ते इंसाफ नहीं लैके दे सकिया जनता नू ते रेता दा हिसाब सानू कित्थों लै दूगा। साडे जनता कोल सिर्फ एक ही हल है ते जे तुसी दोवें सुहर दो जनता लई ते मैं तैनू कहिंदा सुखबीर बादल जे तू इह हल मन्नेगा ते असी तेरे ते यकीन भी करांगे तेरी सरकार भी बनावांगे। गुरु घर दी सौ ते पॉलिटिशियन एवें ही खा जांदे हुण ते सानू यकीन ही नहीं रहा जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सौ खा ली सीगी। कहना नहीं चाहुंदा बच्चे सारयां दे सांझे हुंदे आ तेरे बच्चों नू मेरी उम्र भी लग जावे पर मैं ये गल कहण लई मजबूर हो गया कि तू साडे कोल हल की बचिया कि तू हर महीने हरिमंदर साहब आना अपने परिवार दे नाल तू उत्थे आके मत्था टेकदा। इस महीने जिदन हरिमंदर साहब आएगा ना 10 या 11 तरीक नू आना ना तू अपने बच्चों के सिर दे उत्ते हथ रख के कह दे कि तू 10 साल जां तेरे MLA जिहड़े जिहड़े भी तेरे नाल आउंदे आ उहनां नू कह दो अपने बच्चों की सहु खा जाण हरिमंदर साहब दे विच गुरु घर दे विच अपने बच्चों के सिर ते हथ रख के कि की तुसी 10 साल रेता का कारोबार नहीं किया जां रेता की रेता शराब केबल बिजली ट्रांसपोर्ट ये जिन्ने काम पंजाब नू उजाड़न वाले सीगे जिन्ने काम दे नाल पंजाब सखाला होना सीगा दा रेवन्यू इकट्ठा करके इहनू भुखा करन दे विच इस पंजाब नू उजाड़न दे विच कि सारे कामां दे विच तुहाडा रोल नहीं है। आओ सौं खाओ ते जे तुसी सौं खा जाओ मैं तैनू कहिंदा मैं पहला मूहरे ला के तेरियां वोटां मंगूगा लोकां कोलों तेरी सरकार बणाऊंगा। और रेता दे उत्ते जदों तू छापा मारिया तैनू शर्म नहीं आई लोग इस तरीके तेरा मजाक उड़ा रहे सीगे तू सोशल मीडिया दे उत्ते देखिया अज भी तेरे लोगों ने काम लाया कि तेरी अज भी भाईवाली चलती कई कामों के विच अज कल्ला मैं रेता दे उत्ते बोलना आने वाले दिनों कल्ली कल्ली गल का खुलासा करूँगा कि रेता शराब केबल बिजली ट्रांसपोर्ट कल्ली कल्ली गल दे उत्ते बोलूँगा। लोग तेरा मजाक उड़ा रहे सी लोगों को थले सुनन मिल जाता है कि सुखबीर बादल का छापा इस तरह लग रहा है जिवें राखी सावंत कुड़ियां नू सिर दे उत्ते चुन्नी लैण लई कह रही होवे इहदे नाल नाल इस तरह लगता सीगा कि जिवें हाफिज सईद है ना जिहड़ा दुनिया भर का वड्डा अतवादी वह लोगों नू कह रहा होवे कि अतवाद के खिलाफ धरना देना लोगों ने तेरा मजाक बना के रख दिता सोशल मीडिया ते तेरे गंदे गंदे गाने बना के चला दिते तेनू शर्म नहीं आती जिहड़े तेरी एजेंसी चलाउंदे उह दसदे नहीं भी तेरा मजाक बन रहा तेरा हाल। मैं चार लैणा कह के कहण लगा कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे
मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए, अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। सिर्फ तेनू खबरां चाहिए सी बनाउण नू और तू बनाइया आना मैं इस तो बाद इस रेताली खड्ड दे उत्ते जिथे तू आया बिना जाने पछाने छापा मारन वेले मैं तेनू कहण लगा को बंदे ही चज दे लै उहदा नाल। तू जदों छापा मारिया एक झोटे जिहा अरगा बंदा तेरे नाल तुरिया फिरदा सी, हुण मैं ना नहीं लैणा उहदा, उह आप तेरे रिश्तेदार नू माझे दे जरनैल नू पहला 1,10,00,000 रुपया महीना दिंदा रहा, उस तो बाद 1.5 करोड़ दे विच सैटिंग हुई और 75-75 लाख रुपया 1 तरीक नू ते 16 तरीक नू आउंदा रहा। और तुहाडे दो नंबरियां दी एक गल दी दीद देनी पऊगी जिन्ने तुसी मतलब पंजाब नू लुट्टण वाले लोक ते दो नंबर दा काम करदे हो कि उह बंदे ने मैनू आप ही दस्सिया कि एक वारी मेरे को पैसे घट गए मैं किसी होर पासे लाते सीगे और इन्हें टाइम सिर पैसे मंगे ते मैं अपनियां बच्चियां दी FD तड़ा के नू पैसे भेजे। मैं उन्हू भी कहना तेरे भी दो बच्चे आ तू भी सौ खा के दस भी ये गल्लां सारियां होंदियां रही कि नहीं हो। और वह बंदा जिहड़ा सब तो अगे तुरिया फिरदा सीगा वह एड्डा वड्डा कारीगर आ कि अज कांग्रेस के राज च भी उन्हां दे खिलाफ पिछले 1.5 साल तो रौला पा के उन्होंने को भी अपने इलाके दे विच महीना लैन दिया वा। इन्हां लोकां लई जे मैं कहवां ना कि लहजे में बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। सुखबीर मैं तेनू ये भी कह लगा जे तू चले गया रेता की खड्ड दे उत्ते ते तेनू पूरी तैयारी नाल आना चाहीदा सीगा, फिर इहनू बंद कराउण लई तू इहनू बंद कराउणा ही नहीं चाहुंदा मैं अगले पेपरां ते लगा हुण, तेनू ये बंद कराउण दी काली नहीं सी, तेनू सिर्फ यह सीगा कि लोगों च मैं नंबर बनावा सरकार अगली मैं बनाउण दी कोशिश कर रहा वा। जे तू बंद कराउणी चाहुंदा इहदे लागे लागे 4-5 हल्के लगदे तेरे, अपने वर्करां दी पक्की ड्यूटी ला दिंदा बाहर जाम करा के भी एक भी गड्डी बाहर नहीं जानी और इस जगह दे उत्तों एक ट्राली ना निकलदी। और इहदे नाल जिद्दण तू मकेरियां गया, मैं अगे भी आउण लगा, जदों तू मकेरियां गया तेनू एक बीबी मिली उत्थे वो कहिंदी मेरी जगह दे विचों इन्हां सारी ते कब्जा कर लिया इच रेता निकलदी आ वो दवाई दिंदी रह गई ते तू अपने नाल दिआं नू कहिंदा चलो 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 चलीए। जे ऐडा तू पंजाब दा सिरद सीगा ऐडा ही कुछ करन गया सीगा फिर उस बीबी नू उत्थे कब्जा दवा के आउंदा, डिप्टी CM सीगा तू तेरी सुनी जांदी तुरे तू उत्थे अफसरां नू फोन करदा और अफसर तेनू ठोक ठोक के अगों जवाब दे रहे आ ये खड्ड जायज आ ये फलाना जायज आ, कादा तू डिप्टी CM रहा कादा तू गृह मंत्री रहा तेनू अगों डिबेट करनी नहीं आई, अफसर भी तेरे तो चालू नहीं क्योंकि उन्होंने पता लग गया कि तेरी सरकार आनी नहीं गी नहीं तो थर थर कंबदे अफसर सानू यह भी महसूस होने हट गया भी तू पंजाब दा लीडर रहा वा तू डिप्टी CM रहा वा। और जेड़ियां तू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 10 सालों तो जदों TV ते आउंदा ना एक नाटक हासियां खेडियां करदे रहिंदे हो एक दूजे दे नाल ते सानू लोकां नू शदाई बणाउंदे रहिंदे हो, मत सोचो तुसी कामयाब होए अगर ना हासियां खेडियां करके, तुसी अपना इस पंजाब दे लोकां तो दोवां ने भरोसा ही चुक लिया, लोग तुहाडे उत्ते यकीन ही नहीं करदे। हुण मैं तुहानू दोवां नू दो लैणा कहां ना तुहाडे लई कि अब तुम्हारी वजाहत में सदाकत नहीं लगती, अब अपनी मुहब्बत की सफाई ना दिया करो। तू इत्थे रेता दी खड्ड बंद कराउण आया सी ना तेरे नूं मैं घट काबल, मैं किसी पोस्ट ते नहीं रहा, आ पेपर डाक्यूमेंट मैं लैके आया, तू ये खड्ड बंद नहीं कराउण आया, तू इस खड्ड नूं उस दिन चालू कराउण आया सीगा क्योंकि तेनू पता सीगा 30 तरीक आ 30 तरीक नूं इन्हां दा जिहड़ा काम आ 2 महीने लई बंद हो जाणा मानसून दा सीजन चलण वाला, तू सिर्फ इत्थे आ गया नंबर बनाउण नूं भी शामां नूं काम बंद हो जाणा। और इन्हां लोकां ने इह भी सिरे दे तेरे तों भी वड्डे मतलब कारीगर आ, इन्हां ने तेरे मूंह ते उह चपेड़ मारी कि 30 तक इन्हां कोल परमिशन सीगी, 15 दिन इन्हां परमिशन तेरे कोल वेर के वधाई भी असीं 15 दिन काम होर चलाउणा, सुखबीर बादल साडा नुकसान कर गया, आ तेरे पल्ले आ सुखबीर बादल। और तू रेता दी खड्ड फंड आया ना तेरे को नहीं फड़ी गई, मैं इन्हां च खलो के कहिंदा असलियत सुन रेता दी खड्ड दी की आ, इत्थे खड्ड दा जिहड़ा ठेका मिलिया उह खड्ड दा हैगा ही नहीं, इन्हां लोकां नूं जिहड़ा ठेका मिलिया वा उह डीसिल्टिंग करन दा मिलिया वा, दरिया दी सफाई करन दा मिलिया वा, इस पासे जिहड़े बूझे आ झाड़ियां वा इहदी सफाई करन दा मिलिया वा, इहदी सफाई दे बदले उह सफाई ते हुंदी नहीं, उह वड्डे कारीगर ने उह सफाई ते हुंदी नहीं,
ते सारी रेता कढ के वेची जांदी ते करोड़ा अरबा रुपया का कारोबार हुंदा। इह तैनू सारी समझ होनी चाहीदी सी सुखबीर बादल। मैं हैरान आ सरकार दी बशर्मी दे उत्ते वी कि खड्डा दे ठेके दे सुणे सीगे डी सिल्टिंग दा ठेका दे के तुसी सारे कानून ही बदल दित्ते और कैबिनेट मिनिस्टर आ जिहड़ा माइनिंग दा ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਾਂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NGT ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਆ? ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭੋਆ ਭੋਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਓ ਕੋ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੂਗਾ, ਕੋਈ MLA ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੂਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ JEE ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੂਗਾ ਤੇ ਐਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਵਾਉਣ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇਰੇ MLA ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਠੇਕਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਡੀ ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਠੇਕੇ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ MLA ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ, ਰੇਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ MLA ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਪੁਰਾਣਾ MLA ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ। ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚਾਲਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਆ ਹਾੜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਦ ਘੁਰ ਰਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੇ ਕਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਸੱਪ ਖੇਡਦੇ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਰੱਬਾ? ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤਾ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੁੱਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਤਾ 341 ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ,
चाहे वह रेता च इनवॉल्व हैगा कि नहीं हैगा, चाहे वह दुकान वाला, चाहे वह फैक्ट्री वाला, क्योंकि यदा जोड़ा नुकसान आ वह हर बंदे उत्ते भारू पैंदा। ये साडे कुदरती स्रोत ने जिथों सूबे नूं कमाई होनी सी, जिथों सूबे का खजाना भरना वा, जदों सूबे का खजाना पूरा उत्थे नहीं जांदा ते हर चीज़ उत्ते महंगाई हो रही है, चाहे वह बिजली आ, चाहे वह खाण पीण वालियां चीज़ां वा, हर चीज़ उत्ते सरकार वध तों वध टैक्स ला रही है, क्योंकि जिहड़े पैसे सरकार नूं जाने चाहीदे आ वह जांदे नहीं। इहदा अखीर सारिआं दे उत्ते ओवरआल किते ना किते फर्क पैंदा। असीं सारे पीड़ित आ इहनां चीज़ां दे उत्तों। साडी जे किसे दी जमीन नहीं ना ते इहनां सोचो तुहाडा नुकसान नहीं गा, हर पासे किसे ना किसे बंदे दा किसे ना किसे तरीके नुकसान हो रहा। मैं लोगों नूं अपील करदा कि अपने फर्ज नूं पछाणो, अपने अपनी समझ नूं पछाणो, तुहानूं अगे लगना पैणा। मेरी खीर च लोगों नूं इह बेनती आ, मैं भी थां थां ते जाके धक्के खांदा, मैं कोई इलैक्शन लड़न दा मेरा टीचा ही नहीं, चंगा प्लेटफार्म मिलूगा ते लड़ूंगा, नहीं ते 2027 च वेखांगे मेरी कोई दुकान नहीं है, MLA बनना, MP बनना। तुसीं भी आपो अपनी थां दे उत्ते जागरूक हो। मैं लोगों नूं इह गल कह के समाप्ति कर लगा कि वक्त कम है, जितना जोर है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। मीडिया नू लेके भड़का मार रहा सीगा और तुहाडे सामने है कि उहदे आउण